Hi student, welcome back. In the last lecture we discussed about the function of SEL. Now today we are going to learn about the process of digestion by the renin. ठीक है? सो हेडिंग डाल दीजिए डाइजेशन बाय रेनिन. द रेनिन इज एक्टिव इन द चाइल्डहुड स्टेज ऑफ मैमल्स ओनली, यानी जो एडल्ट हैं या जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, दे डोंट हैव रेनिन. ओके, ये चाइल्डहुड में सिक्रीट होने वाला एंजाइम है. और ये कहाँ पर वर्क करता है? इट कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड. ठीक है, तो जो रेनिन है वो सिक्रीट होता है और ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें? कर्ड लाइक सब्सटेंस में, जिसे हम क्लॉट ऑफ मिल्क भी कहते हैं. एंड द मेन फंक्शन बिहाइंड दिस क्लॉटिंग इज दैट द रेनिन एक्ट ऑन द मिल्क प्रोटीन व्हिच इज नोन एज कैसिन, और इसे कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट, जिसको हम कहते हैं कर्डलिंग या दही का जमना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क. ओके, यहाँ पर लिख लीजिए मिल्क प्लस रेनिन एट कन्वर्टेड इंटू मिल्क. मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट, क्योंकि रेनिन एक्ट ऑन द मिल्क प्रोटीन विच इज नोन एज कैसिन. ये मिल्क प्रोटीन कैसिन पर काम करता है. ठीक है, ऑल राइट. सो मिल्क कैसिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रेनिन कन्वर्टेड इंटू द कैल्शियम पैरा कैसिनेट. And this is known as curdling of milk. After becoming insoluble, the milk can remain in the stomach for a longer time. ठीक है, अब ये longer time तक stomach region में पड़ा रहता है. Renin is absent in the human. ठीक है, तो humans यानी जो adult हो चुके हैं उनमें calcium paracalcinate में conversion नहीं होता, क्योंकि रेनिन का सिक्रीशन नहीं पाया जाता. सो इन द केस ऑफ ह्यूमन एडल्ट द क्लॉटिंग ऑफ मिल्क इज डन बाय द SEL व्हिच इज फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए डाइजेशन बाय पेप्सिन. Digestion by pepsin. इसमें क्या होता है? As you know, जो पेप्टाइडेज है, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजेन में, और ये कन्वर्ट हो जाता है प्रॉपर पीएच पाने के बाद, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में, जिसको हम पेप्सिन कहते हैं. सो दिस एंजाइम एक्ट ऑन द breaking of peptide bond. The pepsin is strong enzyme. It is the strongest enteropeptidase and it breaks protein into the smaller molecules. Okay, isme likh lijiye pepsin
is strong. What? Endopeptidase. Endopeptidase that convert proteins into the smaller molecules. How? देखिए, ये हो गया प्रोटीन. प्रोटीन के ऊपर एंजाइम स्टार्ट करता है फंक्शनिंग और इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स. पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस. प्लस पेप्टाइड्स. ठीक है. दिस इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन. और इस तरह से जो फैट होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके. ड्यू टू द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम. और इसी को क्या कहते हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन. स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ओके. नेक्स्ट, इन द स्टमक एंडोपेप्टाइडेज आर फाउंड इन ओनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड टेक पार्ट इन द स्टमक रीजन. तो स्टमक रीजन में ये प्रॉपरली एक्ट करते हैं और जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज. तो गैस्ट्रिक लाइपेज के थ्रू जो डाइजेशन पाया जाता है वो किस तरह से होता है. डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक लाइपेज. डाइजेशन बाय द गैस्ट्रिक लाइपेज. ओके. द गैस्ट्रिक लाइपेज कन्वर्ट्स फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. फैट फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज एंजाइम. ठीक है. नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड इन द ड्यूडेनम रीजन. हेडिंग डाल दीजिए, डाइजेशन ऑफ फूड इन ड्यूडेनम. ओके. तो ड्यूडेनम रीजन में किस तरह से डाइजेशन होता है? एज आई टोल्ड यू, व्हेन द फूड लीव्स द स्टमक थ्रू द पाइलोरिक एंड देन इट इंटर्स इनटू द ड्यूडेनम रीजन. और इस कंडीशन को यानी सेमी डाइजेस्टेड फूड को अब हम काइम कहते हैं. तो सिंपली ये कह सकते हैं कि काइम कहाँ से रिलीज होता है? पाइलोरिक एंड से, और एंटर करता है ड्यूडेनम रीजन में. ये लिख लो, काइम एंटर्स टू द ड्यूडेनम विद द हेल्प ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर या फिर पाइलोरस.
ठीक है, से ड्यूडेनम में आता है। अब ये काइम क्योंकि एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक एक्टिविटीज होती है, इसका नेचर कैसा होता है एसिडिक, इसका पीएच कम होता है, देन व्हेन इट इंटर्स इनटू द ड्यूडेनम रीजन तो उसकी वॉल, जो ड्यूडेनम की वॉल है, वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है और इसकी वजह से जो इसका नेचर है धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस। ओके, सो द काइम स्टिमुलेट द वॉल ऑफ ड्यूडेनम। ओके, द काइम स्टिमुलेट द वॉल ऑफ ड्यूडेनम और इस स्टिमुलेशन की वजह से ड्यूडेनम की जो वॉल है वो रिलीज करती है सर्टेन हार्मोन्स, रिलीज हार्मोन, और ये हार्मोन क्या कहते हैं, ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ वॉल ऑफ ड्यूडेनम इट रिलीजेस सेवरल हार्मोन्स। वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट हार्मोन इज अ हिपेटोक्राइन हार्मोन्स, वन बाय वन। फर्स्ट हार्मोन विच इज रिलीज बाय द ड्यूडेनम लेयर इज हिपेटोक्राइन। ओके, दूसरा कॉलीसिस्टोकाइन, एंड तीसरा है सिक्रीटिन। और सिक्रीटिन के बाद पेंक्रियोजामिन, और पेंक्रियोजामिन के बाद नेक्स्ट हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है ड्यूक्रिनिन। ड्यूक्रिनिन के बाद नेक्स्ट हार्मोन एंडोक्राइन, एंडोक्राइन के बाद एक और जिसका नाम है वेलिक्रिनिन, वेलिक्रिनिन के बाद एंडोगैस्टिरोन। गैस्टिरोन, एंटोगैस्टिरोन के बाद नेक्स्ट गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड जिसको हम जीआईपी कहते हैं, जीआईपी। तो यहां पर सिक्रीशन हो रहा है वन बाय वन। फर्स्ट है हिपेटोक्राइन, सेकंड कॉलीसिस्टोकाइन, थर्ड सिक्रीटिन, फोर्थ पेंक्रियोजामिन, फिफ्थ ड्यूक्रिनिन, सिक्स एंटरोक्रिनिन, सेवन विलिक्रिनिन, एट एंट्रोगैस्टिरोन और नाइन जीआईपी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में जीआईपी और फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिपेटोक्रिनिन, हिपेटोक्रिनिन ये प्रमोट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, बाइल जूस, और ये कहां से सिंथेसिस होता है, लीवर से। नेक्स्ट है कॉलीसिस्टोकाइनिन, इसका फंक्शन क्या होता है, इट आल्सो स्टिमुलेट्स द लीवर एंड द गॉल ब्लैडर, ठीक है, टू सिक्रीट बाइल जूस।
बायोजूसिंथेसिस, बाइल जूस सिक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्रीटिन का क्या काम है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ऑल्सो द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन भी है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन एंड दिस हार्मोन स्टिमुलेट द पैंक्रियाज फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस विच इज स्टिमुलेट द लीवर ऑल्सो फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस एंड इनहिबिट द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन इन स्टमक एंड ऑल्सो हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ कंसेंट्रेशन इन स्टमक। तो सिक्रीटिन के मल्टीपल फंक्शन है। पहला तो ये बाइल जूस के सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है? ये बाइल जूस के सिक्रीशन को इनिशिएट करता है प्लस गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करता है। इसमें लिख लीजिए, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है एंड इट आल्सो इनिशिएट और स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस को भी ये स्टिमुलेट करता है, ओके। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, इट आल्सो स्टिमुलेट द पैंक्रियाज फॉर सिक्रीशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिक्रीटिन। नेक्स्ट आता है पैंक्रियोजाइमिन। पैंक्रियोजाइमिन ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। सिक्रीटिन क्या करता था? ये स्टिमुलेट करता था पैंक्रियाटिक जूस को फॉर नॉन एंजाइमेटिक पार्ट, फॉर नॉन एंजाइमेटिक पार्ट, ठीक है। ये भी स्टिमुलेट करता है पैंक्रियास को फॉर एंजाइमेटिक पार्ट या एंजाइमेटिक सिक्रीशन के लिए, मेटिक सिक्रीशन। नेक्स्ट पॉइंट, द पैंक्रियाटिक जूस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट आल्सो प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही हो रहा है, एक तो एंजाइमेटिक पार्ट का सिक्रीशन हो रहा है, दूसरा नॉन एंजाइमेटिक पार्ट का भी सिक्रीशन हो रहा है। वाइल द पैंक्रियोजाइमिन प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है ड्यूक्रिनिन। ड्यूक्रिनिन स्टिमुलेट द ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड ये इसको स्टिमुलेट करता है। और ब्रूनर ग्लैंड क्या करता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अब ब्रूनर पार्ट दो काम करेगा, एक तो सिंथेसिस, दूसरा सिक्रीशन। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, ओके। नेक्स्ट एंट्रोक्राइनिन। ये हार्मोन
स्टिमुलेट करता है पेनिस सेल को फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, एंजाइमेटिक पार्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, स्टिमुलेट पेनिस सेल, ये पेनिस सेल को स्टिमुलेट करती है फॉर व्हाट, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है विलिकिंस, इट स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ विलाई, यानी ये विलाई की एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने का काम करता है, ठीक है। स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ विलाई, और उसके बाद एंट्रोगेस्ट्रॉन, इसका फंक्शन है इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एससीएल, सॉरी इट इनहिबिट्स इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ HCl, HCl के सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ये काम क्या करता है, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन, लिख लीजिए इनहिबिट्स, इनहिबिट मतलब रोक देना, इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन, ओके, ठीक है। तो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन है उसको स्टॉप कर देता है, जिससे जूस का सिक्रीशन भी बंद हो जाता है। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ ड्यूओडेनम।